हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक का ये ऑब्जेक्ट जो कि हम फर्स्ट एंगल से ड्रॉ करने वाले हैं। सो फर्स्ट एंगल में आप सबको पता है फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर आता है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू नीचे आएगा एंड यहाँ पे जो साइड व्यू होगा हमारा, ये मेरा फ्रंट व्यू है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा राइट साइड। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बट इट इज राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं ये ऑब्जेक्ट से। तो जो ऑब्जेक्ट का टोटल विड्थ है वो कितना है यहाँ पे, 20, 45, 20 एंड 5। ओके, सो यहाँ पे टोटल विड्थ जो है 50, 60, 70, 80, 90 एम एम, ठीक है। और टोटल जो हाइट है वो है 20 यहाँ से 20 एंड यहाँ से 30 यानी कि 50। और जो टोटल डेप्थ है, ओके, सो यहाँ पे जो डेप्थ है वो है यहाँ पे होगा 20 और यहाँ से जो टोटल डेप्थ हमें मिलेगी वो है 20, 10 एंड 20 मतलब कि 50। ओके, सो दिस इज टोटल हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। ओके, अब हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना, ठीक है। तो आप जब यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो पूरी लाइन है आपको, ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कि फ्रंट व्यू में हमें कितना पोर्शन दिखने वाला है। तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लाइन करके बता रहा हूँ आपको कि ये पोर्शन दिखने वाला है और यहाँ पे ये पोर्शन दिखने वाला है, ठीक है। तो इतना पोर्शन मुझे फ्रंट व्यू में दिखने वाला है, कौन सा, ये वाला पोर्शन जिसको मैं ए बता रहा हूँ और यहाँ पे बी वाला पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, जब यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो यहाँ से जो बीस की लाइन है, मतलब पहले सबसे पहले मैं एक्स वाले एंगल को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे बीस की लाइन आएगी, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो ये जो इसकी लाइन है, ठीक है। अब ये पॉइंट एंड ये पॉइंट जब आप सामने से देख रहे हो तो आपको ये प्लेन दिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट सेम हो जाएगा, मतलब अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये कितनी लाइन है, 45 की, तो यहाँ से 45 की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो है 45। ओके, उसके बाद यहाँ से वर्टिकल हाइट आप देख रहे हो वो है 5 एम एम, वर्टिकल हाइट जो है वो 5 एम एम है। तो यहाँ पे मैं 5 एम एम की वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ और उसके बाद जो यहाँ पे ये डिस्टेंस है वो है 20 यानी कि ये डिस्टेंस जो है मैंने 20 ले लिया, ठीक है। अगेन डाउनवर्ड 5 एंड यहाँ से ये डिस्टेंस है 5। तो इस तरह से हमारा जो पूरा जो है विड्थ जो है वो हमें 90 एम एम का भी मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचे हम, तो यहाँ से वर्टिकल हाइट जो है वो कितनी है, यहाँ से वर्टिकल हाइट जो है मेरी वो है 20 एम एम, ठीक है। सो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे 20 एम एम। ओके, यहाँ पे मैं डायमेंशन जो है फ्रेंड्स वो अलाइन या यूनिडायरेक्शनल से नहीं ले रहा हूँ, सो रैंडमली मैं डायरेक्ट डायमेंशन लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो डायमेंशन होगा वो होगा 20। ओके, ये वाला। अब ये पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है वो नहीं दिया है, लेकिन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल 90 है, यहाँ पे ये 20 है और ये 40 है, ठीक है। सो 40 प्लस 20 कितना हुआ, 60। और यहाँ पे टोटल कितना है, 90, मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा 30, ठीक है। ये जो लाइन हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 30, कैसे, फिर से बता रहा हूँ आपको, 20 एंड 40, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये पॉइंट वही होगा, 20 से स्टार्ट होगा यानी 40 यानी 60, और यहाँ पे टोटल जो लेंथ है वो है 90 यानी कि ये बचा 30, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे 30 की लाइन हॉरिजॉन्टल ले ली है, ठीक है। अब ये पोर्शन मुझे दिखने वाला नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन आएगा, तो आप सामने से देख रहे हो तो आपको ये दिखने वाला नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ली है। अब यहाँ से जो वर्टिकल लाइन आएगी वो कितनी है, 30, तो यहाँ से 30 की वर्टिकल लाइन आएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम पहुँचे यहाँ पे, तो यहाँ से ये जो लाइन है वो कितनी है, 40, वहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे ये जो लाइन है वो है 40, सो यहाँ से मैं लूँगा 40। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइन आई 40 का है, यहाँ पे ये एज दिख रहा है, आप जब सामने से देख रहे हो तो ये एक एज आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ से मैं 40 पे ऊपर से लूँगा तो 40 होगा और यहाँ से ये एज आपको दिख रही है, ये डायमेंशन फिर से ले लेते हैं, ओके, ठीक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली, दिस इज 30 एंड दिस इज 40, ठीक है। अब यहाँ पे 30 ज़्यादा लग रहा है, 40 कम लग रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, आप समझ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे
ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे जो हाइट है वो ये पॉइंट से हाइट कितनी है 10 mm, मतलब कि यहाँ पे 10 mm की हाइट हम ले लेंगे और फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि ये इंक्लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट है, ये पूरा टेपर है, सो यहाँ से ये हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपको मिलेगा फ्रंट व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में अब क्या बाकी रहेगा, 20x10 का यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 20 है वो आप देख सकते हो, ये पॉइंट से 10 mm डिस्टेंस पे है, मतलब कि ये पॉइंट से 10 mm के डिस्टेंस पे यहाँ पे जो पोर्शन कट है वो मुझे यहाँ पे दिखाना है, मतलब कि यहाँ पे इस तरह से मैं दिखाऊंगा। और ये भी जो डिस्टेंस है वो कितना है 10, उसके बाद ये डिस्टेंस आएगा वो 20, एंड अगेन ये डिस्टेंस आएगा वो होगा 10। तो इस तरह से आप फ्रंट व्यू ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब टॉप व्यू ड्रॉ करना है मुझे, तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ से वर्टिकल लाइन, मतलब प्रोजेक्शन लाइन, बहुत ही लाइट लाइन होनी चाहिए, प्रोजेक्शन लाइन मैं यहाँ से नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, जितने भी हमें पॉइंट्स एज मिले हैं वहाँ से ये नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मैं टॉप में से देख रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से पोर्शन दिखेंगे, एक तो ये इंक्लाइन फेस दिखेगा सी, देन ये दिखेगा डी, एंड यहाँ पे ये दिखेगा ई, ये तीन मुझे ब्लॉक दिखने वाले। ठीक है, अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ये जो पीछे की लाइन जो है वो पूरी स्ट्रेट आने वाली है, क्योंकि ये इंक्लाइन है, लेकिन आप जब ऊपर से देख रहे हो तो आपको वो लाइन जो है, इंक्लाइन जो लाइन है वो इतनी सी ही दिखेगी। ठीक है, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये जो इंक्लाइन है, लेकिन जब आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको वो इतना पोर्शन ही दिखेगा। अब यहाँ से ये 20 है डेप्थ, तो यहाँ से डेप्थ कितनी है 20 mm पे हम दूसरी लाइन बना देंगे, और ये जो पूरा पोर्शन मिला हमें वो होगा सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, सी, अब ये जो पॉइंट मिला हमें वहाँ से 40, यानी कि यहाँ से 40 mm पे यहाँ तक है। ओके, ये अलग होगी लाइन, ओके, ये ऊपर से ये अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे ये 25 है और यहाँ पे ये 30 है, सो ये 5 mm इस साइड होगी, मतलब ये हमें पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है 40 जो है वो यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके, सो 40 आ गया, उसके बाद भी मुझे स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जैसे कि ये इस तरह से यहाँ पे पूरा पीछे की भी एज रहेगी, सो यहाँ पे मैं एंड तक ले लेता हूँ, और ये टोटल डेप्थ कितनी है, अब टोटल डेप्थ कितनी है तो 20, 10 and 20, यानी कि 50, टोटल डेप्थ कितनी है 50, सो यहाँ पे मैं 50 ले लेता हूँ। फिर ये जो पूरा जो ब्लॉक है डी का जो ये एंड है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिखने वाला है, मतलब यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, और वैसे ही ये लाइन भी आएगी यहाँ पे, सो ये लाइन भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, और ये 50 जो जब हमने यहाँ पे रखा है वहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, तो आप अभी देखना यहाँ पे ये पोर्शन जो है वो डी होगा और ये पोर्शन जो है वो ई होगा। ठीक है, इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे ई पोर्शन में यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, नीचे ये कट है, यहाँ पे ये पोर्शन कट है, अब ऊपर से देख रहे हो तो ये पोर्शन जो कट है, स्लॉट जो कट है, वो मुझे दिखने वाला नहीं है, तो ऊपर से मैं जब देखूंगा तो वो मुझे क्या दिखेगा, डॉटेड लाइन में दिखेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे वो डॉटेड लाइन में दिखने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा रहेगा ये, ओके। अब यहाँ पे जो बॉक्स है, मुझे ये बॉक्स ड्रॉ करना है, तो बॉक्स यहाँ पे 20 mm पे यहाँ पे बॉक्स है, वो कितना है 20 mm यहाँ पे, तो यहाँ से 20 mm का डिस्टेंस छोड़ के, ठीक है, मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और यहाँ से अगेन 10 mm एंड अगेन 20 mm, मतलब कि ये 10 mm का, सॉरी ये 20 mm है यहाँ पे 20, ये होगा 10 mm, और ये जो डिस्टेंस है वो होगा 20 mm। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है 20 mm है, और यहाँ पे भी 20 mm, टोटल विड्थ मिल गई हमें यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली जब आप डायमेंशन दो तो वो बाहर की साइड देना, लेकिन अभी मैंने अंदर समझाने के लिए अंदर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्लॉक है वो ये रहेगा। ठीक है, ये जो कटा ब्लॉक है वो ये रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब साइड व्यू के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो आज के लिए ये वीडियो इतना रखते हैं, दूसरे वीडियो में मैं साइड व्यू भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।